नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के onlyhybrid.com के इस YouTube वीडियो में। दोस्तों, आज हम दोबारा आपके सामने एक नया विषय लेकर के हाजिर हुए हैं। आज के टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक बार आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नए वीडियोस का पता लगता रहे, और दोस्तों शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रगण भी, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी इन वीडियो से लाभान्वित हो सके, इसका लाभ ले सके। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि बिना दवाओं के और बिना इलाज के कैसे स्वस्थ रहा जाए, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, और जो हमारा नेचुरल वे ऑफ लिविंग है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। दोस्तों प्रकृति ही हमें जीवित रखती है, अदरवाइज तो जो मेडिसिन हम लेते हैं वो तो हमें नुकसान ही करती हैं और हमारी सेहत को खराब ही करती हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि कैसे हम नेचुरल तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों आज हर कोई ये बात जानता है कि शरीर की हर कोशिका कुदरती तौर पर इस तरह से बनाई गई है कि वो आपको सेहतमंद रखे। अगर उसका काम कुदरती तौर पर सेहत को बनाए रखना है तो वह आपके खिलाफ काम क्यों करेगी। हमें संक्रामक और स्थायी रोगों के बीच अंतर समझ लेना चाहिए। संक्रामक किसी बाहरी जीवाणु का अपने शरीर पर हमला है, यह एक युद्ध जैसी स्थिति होती है। उन्हें मारने के लिए आपको रासायनिक लड़ाई लड़नी पड़ती है, मगर धरती पर 70% से अधिक बीमारियां स्थायी हैं और कहें कि आपके भीतर से आती हैं। इसका मतलब है कि आपका अपना शरीर, आपका अपना सिस्टम उस बीमारी को पैदा करता है। जिस सिस्टम में अपने अस्तित्व को बनाए रखने और जीवित रखने की तीव्र इच्छा हो, वह अपने ही खिलाफ कोई रोग क्यों पैदा करेगा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ मूल तत्व बिगड़ गए हैं, मगर आप अपने अंतर्मन के संपर्क में रहें जो सृष्टि का स्रोत है और इस शरीर का निर्माता है, तो आपको सेहत के बारे में कोई बात करने की या इच्छा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस सिस्टम को एक खास तरीके से रखते हैं तो सेहत कुदरती तौर पर पैदा होती है। तो दोस्तों आप भी इस चीज का ध्यान रखें कि कैसे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, और आपकी बॉडी जो अंदर से रिएक्ट कर रही है वो क्यों कर रही है, वो किस चीज का मुकाबला करना चाह रही है, तो आप भी स्वस्थ बन सकेंगे और आपको भी शायद दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कोई फीडबैक्स हैं, कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, वो हमारे से जरूर शेयर करें।